हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें नमस्कार मित्रों स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर मित्रों आज बात करते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में आपकी ट्रेनिंग के लिए जूनियर ट्रेनिंग के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी अप्लाई करने के लिए आप आईटीआई पास और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो आपकी टोटल वैकेंसी सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर यानी छः सौ चौंसठ वैकेंसी हैं और बात करते हैं कितना लिमिट एज लिमिट कितना होगा तो इसके लिए आप अठारह से सत्ताईस साल के बीच में हैं आप तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो बात करते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या है जैसे कि मकैनिकल के लिए जनरल की 174 वैकेंसी हैं और ओबीसी के लिए 103 एससी के लिए 59 और एसटी के लिए आठ वैकेंसी हैं टोटल आपकी मकैनिकल पोस्ट के लिए तीन वैकेंसी हैं जिसमें आपके पास आई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मकैनिकल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं अगली ट्रेड की तो इलेक्ट्रीशियन यानी कि इलेक्ट्रिकल की आपकी जनरल के लिए 105 पोस्ट हैं ओ बी सी के लिए 58 हैं जबकि एस के लिए 34 और एस के लिए छः टोटल 203 हैं इसके लिए भी आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हों या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा धारक हों तो आप यहाँ ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मेटलर्जी इसके लिए आपकी 98 पोस्ट हैं इसमें मेटालॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी इंस्टूमेशन पद के लिए इसमें आपकी डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा हो तो भी आपका चलेगा और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट और कब से वैकेंसी प्रारंभ हो गई ये वैकेंसी आपकी पाँच सितम्बर दो से प्रारंभ हो गई हैं और लास्ट डेट इसके लिए पाँच सितंबर 2025 सितंबर 2018 रहेगा और लास्ट डेट पे करने का भी 2018 रहेगा और फ्रेंड्स बता दें आपका इसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर लास्ट में होगा और इसके एडमिट कार्ड भी आपके अक्टूबर लास्ट में आ जाएंगे तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी आपकी तो इसमें एप्लीकेशन जनरल और ओबीसी वालों के लिए तीन सौ रुपये हैं जबकि एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है आप ये अपने नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के द्वारा भी पे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बता देते हैं आपको जब आप इस ट्रेनिंग को करने लगेंगे जब आप एग्जाम क्वालिफाइड कर देंगे तो आपको कितना पे मिलेगा तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जूनियर ट्रेनिंग विल बी पेड ए मंथली स्टिपेंड ऑफ दस हज़ार सात सौ रुपये से लेकर के आपको बारह हज़ार दो सौ रुपये तक का आपको सैलरी मिलेगी आप, आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो दोस्तों बता देते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा आप किस तरह से आपका ये आपकी ये कंपनी है वो किस तरह से आपका सिलेक्शन करेगी तो इसके लिए आपके दो सेगमेंट में टेस्ट रखे जाएंगे जो कि पहला सेगमेंट में सेवेंटी फाइव क्वेश्चनस होंगे जिसमें जनरल के अर्थमेटिक रीजनिंग और इंटरप्रेशन के आपके क्वेश्चनस होंगे जिसमें जी भी पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी होंगे टोटल आपको दो घंटे का समय मिलेगा यदि दोस्तों आप ये पास कर देते हैं तो इसके बाद आपका सेकंड सेगमेंट का एग्ज़ाम होगा जो कि सेवेंटी फाइव क्वेश्चन इसमें भी रखे जाएंगे और इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा तो दोस्तों अगर वैकेंसी आपको पसंद आई है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर जाइएगा और वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको इस तरह से और भी वैकेंसी की जानकारी चाहिए है तो आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी आप कमेंट करके बताइएगा आपको कुछ भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद